कई आवासों करेंगे शिलान्यास। चंपावत में उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू, 12 या 13 जून को ले सकते हैं शपथ। विहिप की हरिद्वार में अहम बैठक आज, ज्ञानवापी धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा, संतों की ओर से आए सुझावों के बाद लिया जाएगा निर्णय। नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ ऊधम सिंह नगर में प्रदर्शन, सहारनपुर में हिंसा के बाद हरिद्वार में अलर्ट। चौदह जून को राजधानी में होगा विधानसभा सत्र, हरदा बोले गैरसैंण जाकर मांगूंगा माफी, कहा जनता से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कुछ करना शेष नहीं। और आईएमए की पासिंग आउट परेड शुरू, देश को आज मिलेंगे 288 युवा अफसर, मित्र देशों के लाल भी माटी को करेंगे सलाम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रवीण चौहान। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है इस समय। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से किया स्वागत। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी सौगात। और क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, सुनाते हैं आपको। वित्त एवं शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, पर विराजमान इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, खानपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई उमेश कुमार जी और मंगलौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सरबत करीम अंसारी जी और रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बकरा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे नेता इस क्षेत्र के किसान नेता भाई सुशील चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश जमदग्नी जी, विकास तिवारी जी और आज जो शहरी विकास के तहत उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री एसएन पांडे जी, जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी और जनता जी समेत हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले सभी जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना जो कि एक हम सब के लिए और खास करके गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। आप देखिए देश के अंदर 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है, योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों,
ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहाँ पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ज्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों पर धूलों को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत माता के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, एक के बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं हम पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को एक डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको एक डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहां थी, उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहां पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहां बैठे होंगे, जो बच्चे हैं उनको छोड़कर मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी। जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। तो ये केवल और केवल हमारे पास जो करिश्मा ही नेतृत्व है, उस नेतृत्व का कमाल है। भाइयों बहनों, कोई भूखा न रहे, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी के घर में अन्न की कमी न हो, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, फेरी चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभ। और खबर देहरादून से है, देहरादून राजधानी से खबर आ रही है, आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। देहरादून से खबर, राजधानी देहरादून से आईएमए में पासिंग आउट परेड हुई संपन्न। राजधानी से खबर, सेना को मिले 288 नए जाबाज योद्धा, सबसे ज्यादा 50 जेंटलमैन कैडेट यूपी के पास आउट। दूसरे नंबर पर 33 जेंटलमैन कैडेट के साथ उत्तराखंड रहा। आईएमए में पासिंग आउट परेड संपन्न, सेना को 288 नए जाबाज योद्धा मिले हैं, सबसे ज्यादा 50 कैडेट यूपी के पास आउट हुए हैं। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों को 89 सैन्य अफसर मिले हैं। आईएमए में पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है, सबसे ज्यादा यूपी के 50 कैडेट जेंटलमैन और कुल 288 नए जाबाज
सेना को मिले हैं। 50 जेंटलमैन कैडेट यूपी के पास आउट हुए। उत्तराखंड दूसरे नंबर पर रहा, 33 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। इसके अलावा मित्र देशों के भी कैंडिडेट जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। इनकी तो कुल मिलाकर 288 नए जाबाज योद्धा सेना को मिले हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 50 कैडेट यूपी के पास आउट हुए हैं और दूसरे नंबर पर देहरादून से कैडेट पास आउट हुए हैं और 89 मित्र राष्ट्रों के उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया है। कोर्ट ने कहा है याचिका निस्तारित होने तक उन्हें अवश्य सुना जाएगा। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए कोई तिथि नियत नहीं की है, जिस कारण अब अगली सुनवाई तिथि के क्रमवार आने के बाद संभव होगी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जो लोग इससे प्रभावित हैं वे 2 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त पेपरों के साथ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इन लोगों को राज्य में कहीं भी बसाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकारों की होगी। अगर इनके सभी पेपर वैध पाए जाए तो राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास मुहैया कराए। मैं कुछ लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की थी, उन पर आज सुनवाई होनी थी और कुछ लोगों ने आज ही एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोर्ट से परमिशन की मांग की थी। तो कोर्ट ने कहा था कि चूंकि 2 हफ्ते का टाइम दिया हुआ था पहले भी और जिन लोगों ने उस पीरियड के दौरान एप्लीकेशन फाइल कर दी थी उन्हीं की सुनवाई होगी और बाद में किसी को भी बाद में एप्लीकेशन फाइल करने वाले किसी भी एप्लीकेंट को कोर्ट ने परमिट नहीं किया। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन जिनकी आज आई थी उनके लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको हम सुनवाई के लिए रख रहे हैं और जिस दिन इसका हम फाइनल जजमेंट देंगे तो इन पर भी सुनवाई उसी दिन होगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर श्रीनगर में उफलड़ा के समीप एक तेज फॉर्चुनर कार ने एक महिला को टक्कर मार दी, लेकिन महिला की किस्मत ने महिला का साथ दिया और महिला तेज टक्कर के बावजूद सुरक्षित बच गई। वहीं इस घटना के बाद वाहन चालक पर लोगों ने जमकर हाथ साफ किया। पूरी घटना वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने कोतवाली में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई है। ये प्राधिकरण बोर्ड की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक थी, तो बोर्ड की बैठक के आयुक्त अध्यक्ष होने के नाते ये बैठक हुई है। इसमें बहुत सारे प्रकरण आए हैं जो हरिद्वार की विकास के संबंध में विभिन्न योजनाओं के संबंध में जो HRDA द्वारा विकसित की गई है, तो उनमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं जो अनिस्तारित हैं या नई योजनाएं हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और इंद्रलोक फेज टू की कुछ परियोजनाएं लंबित हैं, उनमें तीव्रता लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने पंतद्वीप स्थित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रुड़की हरिद्वार प्राधिकरण बोर्ड बैठक ली। वहीं उन्होंने पंजीकरण केंद्र की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पंजीकरण केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज। ये प्राधिकरण बोर्ड की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक थी, तो बोर्ड की बैठक के आयुक्त अध्यक्ष होने के नाते ये बैठक हुई है। इसमें बहुत सारे प्रकरण आए हैं जो हरिद्वार की विकास के संबंध में विभिन्न योजनाओं के संबंध में जो HRDA द्वारा विकसित की गई है, तो उनमें कुछ निर्णय लिए गए हैं
और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं जो अनिस्तारित हैं या नई योजनाएं हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और इंद्रलोक फेज़ टू की कुछ परियोजनाएं लंबित हैं, उनमें तीव्रता लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार की नज़र ऐसे राशन कार्ड धारकों पर है जो पात्रता न रखते हुए भी राज्य में सरकारी कोटे से राशन लेते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए प्रदेश सरकार ने पात्र को हाँ और अपात्र को ना योजना पूरे राज्य में लागू की है, जिसके अंतर्गत राशन कार्ड की पात्रता रखने वाले लोग अपने राशन कार्ड को जिला आपूर्ति विभाग में जमा करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम कानून भी बनाए हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस योजना पर काम करने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड के जो नियम सरकार ने बनाए हैं उसमें अभी कई खामियां हैं। सरकार की इस योजना पर जितने राशन कार्ड अभी तक सरेंडर किए गए हैं उनको देखते हुए सरकार का कहना है कि उनकी योजना सफल हुई है, लेकिन विपक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसी देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में सरकारी राशन लेने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करने की योजना बनाई है जो पात्रता न रखते हुए भी सरकारी अनाज का उपयोग करते हैं। सरकार ने पात्र को हाँ और अपात्र को ना योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया है, जिसके तहत जो व्यक्ति सरकारी कोटे के राशन की पात्रता नहीं रखते ऐसे व्यक्ति इस योजना के तहत अपने अपने राशन कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ जमा कर सकते हैं। इस योजना के लिए खाद्य विभाग ने दो टोल फ्री नंबर 1967 और 4198 भी जारी किया था, जिन पर फोन करके व्यक्ति अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकता है। सरकार का मानना है कि इस योजना से ऐसे कार्ड धारक जो पात्रता नहीं रखते उनकी जगह पर राशन के असली हकदारों के पास राशन की पूर्ति की जाएगी। सरकार इस योजना को पूरी तरह से कारगर बता रही है, क्योंकि सरकार ने इस योजना के लिए 31 मई तक की डेडलाइन जारी की थी, जिसके आधार पर अब तक 58,374 राशन कार्ड पूरे राज्य से जमा किए जा चुके हैं। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस योजना की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में अब तक जितने भी राशन कार्ड जमा हुए हैं उन सभी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खाद्य मंत्री का कहना है कि जो नए कार्ड पात्र को दिए जाएंगे वो एटीएम की तरह ही काम करेंगे, यानी जिस तरह से एटीएम से पैसा निकाला जाता है उसी की तर्ज पर व्यक्ति अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अपना राशन ले सकेगा। तो ये कोशिश करी थी कि जो हमारे पास में PHH और अंत्योदय के कार्ड धारक हैं जिनकी आय 15,000 से नीचे है वही लोग इसके पात्र माने जाएंगे और इससे ऊपर वाले अपात्र माने जाएंगे। उसी चिंतन में जो है स्टेट फंड योजना के अंतर्गत में भी जो राज्य खाद्य योजना है पीले कार्ड धारक है जिनकी आय 5,00,000 रुपये सालाना से जिनकी आय जो है वो यदि ऊपर है तो वो इसके अपात्र हैं और इसके नीचे हैं तो वो पात्र है, तो ऐसे लोग भी लोगों ने भी कार्ड सरेंडर किए हैं और तभी जाकर ये आंकड़ा जो है लगभग 58,374 करीब बना है। तो निश्चित रूप से जब वो अब आज अपात्र हो चुके हैं स्वेच्छा से उन्होंने सरेंडर किया है तो निश्चित रूप से अब जो कोई व्यक्ति पात्र होगा उस व्यक्ति को ये कार्ड अलॉट किए जाएंगे और वो सरकार के राजकीय खाद्य सुरक्षा योजना का वो लाभ ले सकेगा। सरकार की पात्र को हाँ और अपात्र को ना योजना के तहत राज्य के जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं उनकी संख्या को लेकर सरकार अपनी योजना को सफल बता रही है, लेकिन इस योजना के साथ साथ जो नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं उसके नियम और शर्तों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल राज्य में नए राशन कार्ड बनाने के लिए 15,000 से ज्यादा कमाने वाले व्यक्तियों को अपात्रों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पक्के मकान होंगे या उनके पास दोपहिया वाहन या उससे ज्यादा होगा ऐसे व्यक्तियों को भी अपात्रों की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार इन्हीं शर्तों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास भी पक्के मकान हैं, जबकि उनकी आय का कोई भी स्रोत नजर नहीं आता। ऐसे में क्या सरकार उन लोगों को भी पात्रों की सूची में रखेगी? विपक्ष ने सरकार को नसीहत दी है कि सरकार अगर इस फैसले को एक बार सही से मंथन कर ले तो शायद बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। अगर आप कोई योजना अगर शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर योजनागत तरीके से आप उसकी तमाम जो खामियां हैं उनको आप दूर करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन आज स्थिति बड़ी दयनीय है उत्तराखंड के अंदर। मैं कहूँ कि आप पहले, अब हमारे यहाँ तो देखिए कई जगह ऐसी है जहाँ लोग जो है
आटे का ज़्यादा उपयोग करते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो चावल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब आपने तमाम ये चीज़ें बंद करके आप ये कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ चावल देंगे, और मुझे लगता है कि जो आपने शुरुआत में जो लोगों से ये वादा किया था कि हम जो है अच्छे रेट पर जो है तुम्हारा जो वो धान है या जो गेहूं है वो उठाएंगे, मुझे लगता नहीं है समय पर इन्होंने उठाया, और उसकी जगह प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने यहाँ तमाम अनाज जमा कर लिया। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी राशन के वितरण को लेकर योजना लागू की, इससे सरकार का सीधा मकसद है कि ऐसे व्यक्ति जिनको सरकारी कोटे के राशन की जरूरत नहीं है उनको राशन नहीं दिया जाना चाहिए, और जिनको जरूरत है उन तक राशन जरूर पहुंचाना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो नियम शर्तें इसके लिए बनाई है उस पर सरकार को एक बार जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो बात वाहनों और घरों को लेकर कह रहा है उस बात में जरूर एक सच्चाई नजर आती है। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए एक था मूसेवाला, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और थमक बरकरार इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखो पश्चिम में भी उजाला है, दांत गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए एक था मूसेवाला, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और थमक बरकरार इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लालकुआ से है। चिलचिलाती गर्मी के मौसम में जहां एक तरफ गर्मी की तपिश के कारण लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पंखे की हवा भी लोगों के लिए किसी गर्म हीटर की तरह ही लग रही है। ऐसे में लोग क्या करें, क्योंकि पारा अपनी सारी हदें पार कर चुका है। हालांकि स्कूलों की छुट्टी जारी है, तो ऐसे मौसम में लोग अपने परिवार के साथ लाल कुआं के एक वाटर पार्क में, जहां पानी में महिलाएं, बच्चे, पुरुष कुछ घंटों के लिए अपनी स्कूलों की छुट्टी को मनाते हुए नजर आए। साथ ही पानी में नाचते खेलते भी लोग नजर आ रहे हैं। वाटरफॉल में आए लोगों का कहना है कि कुछ न कुछ गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत इस वाटरफॉल में आकर मिल रही है, क्योंकि आसमान से बारिश नहीं हो रही है और जमीन से निकले पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है। फैमिली के संग आ रखे हैं? कितने घंटे से यहाँ पानी में हैं? ऐसा लगता है कि 3 घंटे और रहेंगे। और गर्मी कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ बहुत आराम मिली है। सर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत अच्छा है, मज़े आएगा, बिल्कुल इंजॉयमेंट। कुछ राहत मिल पा रही है वाटरफॉल में आके? जी मज़ा आया काफ़ी, और 300 रुपये में कॉस्टली भी नहीं है काफ़ी, आराम से आम आदमी आ सकते हैं। तो आप इतनी दूर से आ रखे, क्या वहाँ ठंडक नहीं मिल पा रही है? यहाँ पर नानी के घर आए थे तो हमने सोचा यहाँ पर। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को भाजपा 1 जून से 15 जून तक सेवा सुशासन पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में अब भाजपा उत्तराखंड के हर जिले में एक एक केंद्रीय मंत्रियों की रैली करने जा रही है। इस जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर प्रदेश भाजपा रैली करने जा रही है।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी की जो 8 साल हैं वो बेमिसाल हैं और मुझे लगता है हर जिले में रैली होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह है 8 साल को लेके, मोदी जी के काम को लेके, लोगों की जनता के बीच में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जनता खुद बोल रही है रोते हुए लबों से जब वो बोल रहे हैं कि मैंने फ्री में इलाज कराया, मेरा जीवन आज बचा है तो आयुष्मान भारत की वजह से बचा है, जब लोग बोल रहे हैं कि आज मुझे घर मिला है तो आज ये घर प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, हमने कोई धर्म कोई जाति कोई संप्रदाय नहीं देखा, कोई क्षेत्रवाद नहीं किया, बहुत ईमानदारी से एक निगाह से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखा और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ किया और यही होता है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा, उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जो विश्व गुरु बनने का सपना हमने देखा है, हम उसे जल्द साकार करेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।